हाय, मैं प्रियंका एंड यू वेलकम टू द टेरेस किचन। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी आमंड एंड चॉकलेट फज मोदक की रेसिपी। ढेर सारे बादाम से भरा हुआ ये चॉकलेट फज मोदक बनाने में आसान है और बहुत ही टेस्टी लगता है। सबसे पहले हम बनाएंगे थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क। इसके लिए कढ़ाई में डाले 500 ml दूध। जैसे ही दूध गर्म हो जाए इसमें डाले 200 ग्राम चीनी। अब हमें इसे मिलाना है, पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। अगर आप रेडीमेड कंडेंस्ड मिल्क यूज कर रहे हैं तो ये कंडेंस्ड मिल्क बनाने वाले पार्ट को आप टोटली स्किप कर सकते हैं। दूध को हमें पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। जैसे ही गाढ़ा हो जाए आप गैस बंद कर दें। 1/3 यानी 1/3 हो जाएगा, काफ़ी देखिए गाढ़ा हो गया है। एक चुटकी सोडा डालेंगे, मिलाएंगे। सोडा डालने के बाद ये फूलने लगेगा, पर हाँ गैस बंद होनी चाहिए। पहले फूलेगा उसके बाद एकदम सही सेटल हो जाएगा। अब कंडेंस्ड मिल्क को होने दें ठंडा। अब ये जो ठंडा हुआ कंडेंस्ड मिल्क है इसमें से हम आधा कप लेंगे, तो आपको लगभग 1 कप कंडेंस्ड मिल्क इसमें मिल जाएगा। तो आप रेसिपी डबल कर सकते हैं या फिर आधे कंडेंस्ड मिल्क से कुछ और बना सकते हैं। रेडीमेड यूज़ कर रहे हैं तो भी आपको 1/2 कप कंडेंस्ड मिल्क ही चाहिए। एक पैन में डालें 1/2 कप और ऊपर से 2 टेबलस्पून लगभग बादाम। इन्हें हमें रोस्ट करना है 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक ये हल्के से ना हो जाए, मतलब इनमें एक कुरकुरापन आ जाएगा। गैस बंद करें, बादाम को ठंडा होने दें। उसके बाद एक मिक्सी के बर्तन में ट्रांसफ़र करें और दरदरा यानी मोटा इन्हें पीस लें। हमने जो 1/2 कप कंडेंस्ड मिल्क नाप के रखा था, जो मैंने इस रेसिपी में आपको दिखाया है कैसे बनाना है, उसे हम डाल रहे हैं पैन में। रेडीमेड डाल सकते हैं आप इसकी जगह पे। इसमें डालें 1/4 कप कोको पाउडर यानी 4 टेबलस्पून। धीमी आंच पर अच्छे से मिला लें कोको पाउडर और कंडेंस्ड मिल्क को। ध्यान रहे आंच धीमी होनी चाहिए। जब ये अच्छे से मिल जाए इसमें डालें मक्खन। लगभग 2 टेबलस्पून मक्खन हमें यहाँ पर चाहिए। यहाँ पर भी आप आंच को धीमी रखें और धीरे धीरे मक्खन को पिघलने दें और मिक्स होने दें फज के साथ। ये देखिए हमारा फज जो है अभी पूरी तरह बना नहीं है, पर ये ऑलरेडी बहुत ही टेस्टी लग रहा है। इसमें हम डालेंगे बादाम। बादाम डालने के बाद आप अच्छे से इन्हें मिला लें। जैसे आप सारी चीज़ें मिक्स कर लें उसके बाद आपको इसे पकाना है जब तक कि ये मिक्सचर साइड्स ना छोड़ दे पैन की। इस तरह से धीमी से मीडियम आंच पर आप इसे पकाएं। इस स्टेप में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो ध्यान रहे जैसे ये इकट्ठा हो जाए इस तरह से आप इसे तुरंत एक बोल में या फिर प्लेट में डालकर फैला लें और इसे अच्छे से ठंडा होने दें। अगर आप गरम-गरम इस पर काम करने लगेंगे एक तो आपको चक्का लग सकता है, दूसरी बात यह है कि ये बहुत स्टिकी होगा। अगर ये गरम होगा तो आपको मोदक को शेप देने में दिक्कत आएगी। मिक्सचर को ठंडा होने दें, उसके बाद मोदक का मोल्ड लें और उसमें घी लगाएं। आप चाहें तो बड़ा वाला प्लास्टिक का मोदक मोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा फज लें और इसे मोदक के मोल्ड में आप अच्छे से भर लें। 2-3 मोदक बनाने के बाद अगर आपको लग रहा है कि मिक्सचर चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा मिक्सचर को फ्रिज में रख के ठंडा कर लें और अपने मोदक के मोल्ड को एक बार धोएं और उसके बाद दोबारा से मोदक बनाना शुरू करें। ये देखिए बहुत ही सुंदर प्यारा सा मोदक बन गया है। इसी तरह से बाकी के मोदक भी बना लें। ये फज बहुत टेस्टी बनता है, मतलब आप इसे मोदक का शेप दें या लड्डू का, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप एक बार खाएंगे तो बस खाते रह जाएंगे। आखिर में ऊपर से सजाने के लिए आप चांदी या फिर सोने का वर्क इसके ऊपर लगा सकते हैं। ये स्टेप ऑप्शनल है, केवल सजावट के लिए है। इससे टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे टेस्टी फज मोदक तैयार है, बादाम से भरे हुए चॉकलेट के साथ, एकदम मजेदार और टेस्टी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक करें इस रेसिपी को ट्राई एंड एंजॉय।